नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 18 प्लस का सही जवाब देना। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका पूरे 20 क्वेश्चन का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किस टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल माइग्रेंट डे सेलिब्रेटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताने कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 नवंबर, ऑप्शन बी 2 नवंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर या ऑप्शन नंबर डी 18 दिसंबर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी 18 दिसंबर बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस जो होता है वो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को, 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि निम्न में से ग्रीनविच किस देश में स्थित है। आपको बताने कि ग्रीनविच जो होता है वो किस देश में स्थित है। ऑप्शन है इंग्लैंड, बी हॉलैंड, ऑप्शन सी यूएसए या ऑप्शन नंबर डी रूस। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और लास्ट जो आप क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच गैस इज यूज व्हेन मेकिंग सोडा वाटर, यानी कि सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन है सल्फर, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑप्शन नंबर डी कार्बन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि सोडा पानी बनाते वक्त किस गैस का प्रयोग होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका CO2 होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया इज द एरिया ऑफ द होल वर्ल्ड, यानी कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है 2.9%, ऑप्शन नंबर बी 2.4%, ऑप्शन सी 5.5% या ऑप्शन नंबर डी 6.2%। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी 2.4% बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को, और 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, यानी कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कौन से साल में हुआ था। ऑप्शन है 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1951 या ऑप्शन नंबर डी 1947। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1946 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का पितामह जो कहा जाता है वो आपका चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। ऑप्शन है हडसन, ऑप्शन बी डेन्यूब, ऑप्शन सी राइन या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइन यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज वृद्धगंगा, यानी कि निम्न में से कौन सी नदी वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे लिखा गया, तो जल्दी से बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी नदी वृद्धगंगा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा या ऑप्शन नंबर डी कावेरी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोदावरी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि दुलहस्ती पावर स्टेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, यानी कि दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है। ऑप्शन व्यास, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी या ऑप्शन नंबर डी सतलज। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चिनाब यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दुलहस्ती पावर स्टेशन जो होता है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और लास्ट जो आप क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गेट द अशोक चक्र, यानी कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन है आपका निर्जा बनोट, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी हरित कौर दयाल या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए निर्जम भनोट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को, 10 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा कि गोदान और गब्बन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी कालिदास या ऑप्शन नंबर डी निराला। तो देखिएगा गोदान और गब्बन जो होता है वो आपका मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा जन गण मन जो लिखा गया है वो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु रोट द फ्लैग सॉन्ग, यानी कि झंडा गीत किसने लिखा है। आपको बताने कि झंडा गीत जो होता है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर,
ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी श्यामलाल गुप्त पार्षद या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी श्यामलाल गुप्त पार्षद, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन होते हैं। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी लाइव चैट में बताएं जवाहरलाल नेहरू, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सिंग आवर नेशनल एंथम, यानी कि हमारे राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो जल्दी से बताना कि हमारे राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है। ऑप्शन है 48 सेकंड, ऑप्शन बी 52 सेकंड, ऑप्शन सी 50 सेकंड या ऑप्शन नंबर डी 65 सेकंड। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 52 सेकंड, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। वंदे मातरम गाने में कितना लगता है, तो वंदे मातरम गाने में आपका 1 मिनट 5 सेकंड यानी कि 65 सेकंड का टाइम लगता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 15 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर देना है, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पर दबाना, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सकता है। जितना व्यूज होता है उतना लाइक नहीं होता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर देना है और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मलयालम लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच इंडियन स्टेट, यानी कि मलयालम भाषा भारत के किस प्रदेश में बोली जाती है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन नंबर डी केरल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी केरल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि हु डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि खून के परिचालन की खोज किसने किया था। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी न्यूटन है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विलियम हार्वे, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच मेटल कैन बी कट विथ अ नाइफ, यानी कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपके एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है, तो जल्दी से बताना कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शन है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी सोडियम है या ऑप्शन नंबर डी तांबा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सोडियम, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 18 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एयर प्रेशर, यानी कि निम्न में से किस यंत्र से वायु दाब नापा जाता है। ऑप्शन है बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर, जो भी ऑप्शन है लाइव चैट में बताएं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका 2017 के एग्जाम में पूछा गया था और सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका 2021 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसके उपचार के लिए डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है दिल की कमजोरी, ऑप्शन बी मस्तिष्क का रोग, ऑप्शन सी गुर्दे की विफलता या ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी गुर्दे की विफलता, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि व्हाट वुड बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 4 आपके सामने है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी CO, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारे यहीं पर खत्म होता है। अगर आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, मेरे दोस्त टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है। तो आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।